हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा जोशी और आपका स्वागत है डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक में। आज मैं आपसे दो इम्पोर्टेंट बातें शेयर करने वाली हूँ। पहली बात तो यह है कि जो संडे की स्पेशल क्लिनिक होती थी जिसमें मैं आपके सवालों का जवाब देती थी, वो काफी समय से बंद है। उसको इस संडे से मैं दोबारा स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आपके जो जितने भी सवाल हैं उनका मैं डायरेक्टली वीडियो के माध्यम से आपसे डायरेक्टली कन्वर्सेशन करके आपसे मैं उनके सारे सवालों का जवाब दूंगी। सवाल इंटरेस्टिंग होगा तभी उसका जवाब दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर हेल्थ रिलेटेड टॉपिक होगा तभी उसका जवाब दिया जाएगा। तीसरा, आपको अपने सवाल पूछने से पहले लगाना है हैशटैग माई क्वेश्चन। आपको अपना लिखना हैशटैग बनाना है, उसके बाद लिखना है माई क्वेश्चन, उसके बाद आपको अपना सवाल पूछना है। तो जो ये तीनों क्वालिटीज होंगी जिस सवाल में, उन्हीं का आंसर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मुझे ईमेल करता है तो ईमेल के माध्यम से उन्हीं सवालों का रिप्लाई करूंगी जिसमें आपने कोई रिपोर्ट सेंड करी है, आपकी ब्लड रिपोर्ट है या फिर आपका कोई अल्ट्रासाउंड है या इससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट्स हैं, अगर आपने वो मुझे मेल करी है तभी मैं आपके सवालों का जवाब वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो जितने भी वो फालतू के सवाल हैं जो ऊटपटांग सवाल पूछते हैं कि मैडम ऐसा मैं कैसे करूं, लंबा कैसे करूं, फलाना कैसे करूं, ढिमाना कैसे करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग सेक्सुअल सवाल पूछते हैं जो इरिटेट करते हैं, क्योंकि उन सवालों का जवाब मैं ऑलरेडी वीडियो में दे चुकी हूँ, लेकिन बिना मतलब में कि एक लड़की के मुंह से कुछ उन्हें बुलवाना है और शायद उसी से उनका कुछ एक्साइटमेंट उनको हो जाएगा। तो ऐसे लोगों का मैं कोई भी इंटरटेन नहीं करने वाली हूँ, मैं कोई जवाब नहीं देने वाली हूँ। तो प्लीज आप अपने सारे सवाल हैं जो भी आपके इंटरेस्टिंग सवाल हैं उन्हें जरूर पूछिएगा, मैं उनका जवाब संडे के दिन देने की कोशिश करूंगी। दूसरी बात कि अभी जितना भी मैंने पेन रिलेटेड मेरे को नॉलेज दिया, जितने भी टॉपिक आ रहे थे वो मैं कवर कर चुकी हूँ। आज से आपके चालू होने वाले हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर, मतलब आप एस्थमा, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस वगैरह जितनी भी एलर्जिक वाली कंडीशन होती है, जो लंग से रिलेटेड है, जो श्वास नली से संबंधित है, उन सारे सवालों का मैं जवाब दूंगी और उससे रिलेटेड यहाँ पर अब मैं वीडियो बनाऊंगी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे आपके साथ बतानी थी। तो प्लीज अपने सवाल जरूर पूछिएगा, आपका जो कमेंट है वो भी लिखिएगा, उसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो कर सकते हैं। प्लीज फालतू के सवाल मत करिए प्लीज। उससे क्या होता है कि जो लोग वास्तव में कुछ जानना चाहते हैं, जिन्हें वास्तव में कोई प्रॉब्लम है, मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाती। तो प्लीज फालतू के सवाल मत करिए कि एक लड़की को थोड़ा सा इरिटेट करना है या कुछ ऊटपटांग सवाल पूछने हैं या पता नहीं जो भी आपका इंटेंशन है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके बारे में, एक सोसाइटी के बारे में लोगों की सोच जरूर गलत होती है। तो प्लीज ऐसा मत करिए। चलिए कल मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।